चाहिए, लेकिन आज का सारे सिखा गुरुद्वारा साहब जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अब सिखा के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ थी। हाँ हाँ, गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उन्होंने सारे लोगों को बहुत बढ़िया शिक्षा दी और लोगों का उद्धार किया। हाँ धीरज, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई है, उन्होंने जो एक ताकी आप सुना जा रहे हैं। एक तो बार गुरु नानक देव जी एक तो पिंड में आए हैं और उस पिंड के सारे लोग गुरु नानक जी के वास्ते प्रसादा लेके आए थे। उस पिंड में एक गरीब जीना नाम का लालू की बा और जो तो एक सूखी रोटी लेके आया थी और गुरु जी ने उस सूखी रोटी बड़े प्यार ना सकी। और उस पिंड में एक अमीर जीना नाम वाले पापो थी, ओ वाहेगुरु जी के वास्ते पूरी हलवा लेके आया, लेकिन वाहेगुरु ने ओदा पूरी हलवा खाण नु मना कर दिता। मलिक बाबो गुस्से दूजे बाबा जी ने बोलिया, मलिक वाहेगुरु जी तुसी मेरा पूरी हलवा छक के इस गरीब की सुखी रोटी खा रहे हो। गुरु जी ने जवाब दिता कि तेरी हलवा पूरी ते उस गरीब की सुखी रोटी विच बहुत अंतर है। मलिक बाबो ने पूछा, पर ओ किस तरह? गुरु जी ने एक हाथ से विच सुखी रोटी पड़ी ते दूसरे हाथ से विच पूरी पड़ी, ते जदो दोनों ने जोड़िया ते सुखी रोटी विच दूध निकलिया ते पूरे विच खून निकलिया। वाहेगुरु जी ने कहा, देख आहा अंतर आ तेरी और उस गरीब की सुखी रोटी विच, ओ अपनी हक दी कमाई करदा आ अते तू लोका दा खून चूस के अते दिल सफा के कमाई करदा आ। ये सुन के मेरी तो पापो ने गुरु जी के पैर पड़ लिखे और माफी मांगी ते वादा किया कि अगे तो वो हमेशा ईमानदारी की रोटी खाएगा। ये ताकि तो सानू ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा साधारण लोग मेहनत और ईमानदारी ना काम करना चाहिए और किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वाहेगुरु जी का धन्यवाद। वास्तविक स्वरूप को गुरु की कृपा द्वारा जाना जा सके।